व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद से ही अमेरिका के खिलाफ धरती के कई हिस्सों में व्यूह रचना शुरू कर दी थी और उस व्यूह रचना का सबसे अहम मोहरा था हमास। हमास को रूस ने आतंकी संगठन घोषित नहीं किया है और अब इसराइल पर हमले के लिए उसका इस्तेमाल किया जा रहा है। कैसे, आपको मैं ग्राफिक के जरिए समझाती हूँ। ये हमास का लीडर, जो जानकारियां सामने आएंगी वो मैं तस्वीरें आपको दिखाती हूँ। हमास का लीडर इस्माइल हानिया 10 सितंबर 2022 इस्माइल हानिया मॉस्को पहुंचा था और उसके बाद जानकारी ये मिली कि हानिया के साथ हमास की, जी हाँ, हमास की टॉप लीडरशिप का प्रतिनिधिमंडल भी था। हानिया की मुलाकात के बारे में जानकारी ये मिली कि उसकी मुलाकात रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव से हुई थी और इसके साथ ही मई 2022 में हमास का डेलीगेशन मॉस्को पहुंचा था। ये तारीखें बहुत अहम है। यहाँ विदेश मंत्रालय के अधिकारियों से मुलाकात हुई और मई में ही यरूशलम में जानकारी मिली। यरूशलम में अल अक्सा हिंसा के बाद, ये मुलाकात होने के बाद, यरूशलम के टेंपल माउंट में अल अक्सा हिंसा होने के बाद से ही मुलाकात हुई और हमास रूस से अपने लिए समर्थन मांगने पहुंचा था। इसके बाद तारीख 14 मार्च 2023 मॉस्को से हानिया को न्योता दिया गया और इसके बाद न्योता नहीं मिला था। हमास और रूसी विदेश मंत्रालय के अधिकारियों के बीते एक साल में हुई बैठकें और इसके बाद ये घटनाक्रम सामने आया। माना तो ये जा रहा है कि हमास को ईरान और रूस का समर्थन मिलने के बाद ही इसराइल पर हमला किया गया और ये यूक्रेन को मदद देने के बदले अमेरिका से पुतिन का प्रतिशोध है। साथ ही एक और बड़ी खबर आ रही है, इसराइल को ऑपरेशन आयरन स्क्वाड जारी किया गया है। हमास आतंकियों की घेरेबंदी का यह ऑपरेशन शुरू हुआ है। अपार्टमेंट में छिपे आतंकियों को कमांडो दस्ते ने घेरा है। दक्षिणी इसराइल के कई शहरों में भेजा गया है कमांडो दस्ते को। बड़ी खबर आ रही है, हिजबुल्लाह के लड़ाके इसराइल पर हमले के लिए रवाना हो गए हैं। हिजबुल्लाह के लड़ाके हथियारों से लैस होकर इसराइल की तरफ निकले हैं। लेबनान इसराइल बॉर्डर पर हिजबुल्लाह के लड़ाकों पर फायरिंग होने की खबर है और हिजबुल्लाह फोर्स और इजरायली सेना के बीच कई जगहों पर मुठभेड़ की खबर है। सवाल यही है कि आज रात क्या होगा? क्या आज रात हमास का सर्वनाश होने जा रहा है? इसराइल और हमास में जंग को 12 घंटे हो चुके हैं और इस दौरान कब, कहां और किसने हमला किया, इसराइल को कितना नुकसान पहुंचा, हमास की कितनी तबाही हुई पिछले 12 घंटे में, हमास ने कहां कहां बड़े हमले किए, इसराइल एयरफोर्स ने इसका किस तरह से बदला लिया, इसकी रियल टाइम वीडियो ब्रेकिंग न्यूज देखिए। इसराइल और हमास के बीच बहुत बड़ी जंग शुरू हो गई। 12 घंटे से दोनों तरफ से विध्वंसक हमले हो रहे हैं। वार पलटवार में दोनों तरफ भारी तबाही हो रही है। इस लड़ाई में कहां, कब और कैसी तबाही हुई, इसकी वीडियो के साथ ब्रेकिंग न्यूज देखिए। सुबह 8 बजे हमास ने इसराइल पर भीषण रॉकेट हमले लॉन्च कर दिए। गाजा पट्टी से दक्षिणी और सेंट्रल इसराइल पर ताबड़तोड़ रॉकेट प्रहार हुए। हमास के इस हमले से इसराइल के आधा दर्जन शहर कुछ इस तरह से दहल गए। एक तरफ आसमान से इसराइल पर रॉकेट बरसा हो रही थी तो दूसरी तरफ हमास लड़ाकों ने इसराइल के बॉर्डर को टैंक से तबाह कर दिया। बॉर्डर टूटते ही हमास के लड़ाके इसराइल के अंदर दाखिल हो गए और इसी के साथ इसराइल के अंदर नरसंहार शुरू हो गया। इसराइल के अंदर घुसते ही हमास के लड़ाकों ने अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। हमास के लड़ाकों के सामने जो भी आया उस पर उन्होंने गोलियां बरसाई। इसराइल की सेना, इसराइली पुलिस और आम लोगों पर ताबड़तोड़ फायरिंग की। इस हमले में बड़ी तादाद में लोग मारे गए।
हमास ने आक्रमण किया तो इजरायली एयरफोर्स ने एयर स्ट्राइक लॉन्च कर दी। एक दर्जन से ज्यादा लड़ाकू विमानों ने गाजा पट्टी में हमास के ठिकानों पर मिसाइलों की बरसात की। इस वीडियो को इजरायली सेना ने जारी किया है जिसमें हमास के हथियार और ठिकाने तबाह होते हुए नजर आ रहे हैं। दोपहर 12 बजे के करीब हमास ने फिर से सैकड़ों रॉकेट दागे। रॉकेट का एक झुंड इस इमारत पर जाकर गिरा, कई धमाके हुए, इसके बाद बिल्डिंग पूरी तरह से धराशायी हो गई। दक्षिणी इसराइल के एक और शहर में हमास लड़ाकों ने आम लोगों को टारगेट किया। हमास की फायरिंग में यहां कई आम लोगों की मौत हो गई। हमास ने जिस तरह से फायरिंग की उससे पूरा इलाका दहल गया। दोपहर 2 बजे के करीब ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड्स के तहत इसराइल ने गाजा में एक के बाद एक कई मिसाइलें दागी। इसराइल के टारगेट पर हमास के ठिकाने थे। एक मिसाइल हमास के गृह मंत्रालय की बिल्डिंग पर जाकर गिरी, इमारत पूरी तरह से बर्बाद हो गई। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस हमले में हमास के कई अधिकारी मारे गए। दोपहर 3 बजे इसराइल के अंदर हमास के हमले का एक और दहलाने वाला वीडियो आया। इसमें भी हमास के लड़ाके इसराइल के आम लोगों पर फायरिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। शाम 5 बजे हमास ने गाजा से फिर सैकड़ों मिसाइलें दागी। इस रॉकेट स्ट्राइक में भी दक्षिणी इसराइल में बहुत बड़ी तबाही हुई है। शाम 6 बजे हमास ने तेल अवीव पर रॉकेट स्ट्राइक की। इस हमले में कई अपार्टमेंट तबाह हो गए। दर्जनों कारें जलकर राख हो गई। रिपोर्ट्स के मुताबिक हमास ने 7,000 से ज्यादा रॉकेट दागे जिससे इजरायली शहर पूरी तरह से दहल गए। बारह घंटे से इसी तरह हमास और इजरायल में भीषण जंग हो रही है। हमास के हमले में दर्जनों लोगों की मौत हो गई है, सैकड़ों घायल हैं। हमास ने बड़ी तादाद में इजरायली सैनिकों और लोगों को बंधक बना लिया है। उधर इसराइल गाजा में हमास के ठिकानों पर लगातार मिसाइलें दाग रहा है। इसराइल के विस्फोट में हमास को बहुत बड़ी चोट पहुंची है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। Shoot!